जय साई राम। नमस्कार, मैं प्रिज मंसूरी आज आपको बताने वाला हूँ गुरुवार का उपाय। सबसे पहले स्वागत है आपका आपके इस चैनल में, और आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसे देख सकें। गुरुवार के उपाय में आज आप दान करेंगे या तो किसी धर्म स्थान में या किसी गरीब को, या फिर आप किसी जानवर को खिला दें, जल प्रवाह कर दें, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। एक तो अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाइए, माथे पे नहीं लगाना है तो नाभि पे लगा लीजिए। दूध में हल्दी डालकर पीजिए, बहुत अधिक लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रहण भी आ रहे हैं, 8 तारीख को सूर्य ग्रहण है। भारत में दिखाई नहीं देंगे इसलिए सूतक काल नहीं लगेगा, परंतु सभी राशियों पर इसका असर अवश्य आता है। तो अब हम बात करने वाले हैं गुरुवार के उपाय की। गुरुवार को क्या उपाय करें जिससे हमें शक्ति मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले। देखिए, परमात्मा की शक्तियाँ धरती पर गुरुवार बहती हैं, परंतु यदि हमारा शरीर एक्टिवेट हो तो हम वो शक्तियाँ ले सकते हैं, वरना नहीं। जैसे आपका मोबाइल यदि ऑन हो, चार्ज हो, तभी आपका मोबाइल कॉल को रिसीव करता है, वरना नहीं करता है। इसी प्रकार यदि हमें परमात्मा की शक्तियाँ ग्रहण करनी है तो हमें अपने शरीर को एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट कैसे होता है, अब सवाल ये उठता है, एक्टिवेट होता है दान पुण्य करने से। तो आज यदि आप चने की दाल और हल्दी का दान करते हैं तो आपका शरीर एक्टिवेट होगा और आपको मिलेगा लाभ, शक्ति, परमात्मा का आशीर्वाद, वाइब्रेशन परमात्मा की। आपके परिवार में भी वो वाइब्रेशन आएगी, और जब आपके परिवार में वो वाइब्रेशन आएगी तो नेगेटिविटी समाप्त होगी, पॉजिटिविटी आएगी और सभी को सुख मिलेगा। तो इसलिए आज आप दूध में हल्दी डालकर पीजिए, माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाइए, चने की दाल और हल्दी का दान कीजिए, पीला कपड़ा या तो पहनिए या पीला रुमाल जेब में रखिए, बहुत अधिक लाभ आपको इससे मिलेगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई सवाल है तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपने जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।